तो लीजिए फ्रेंड, आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिना क्रीम के आइसक्रीम। तो इसको बनाना बहुत आसान है, घर पर आसानी से बन जाता है। तो गर्मियों का मौसम चल रही है, इसको बनाना तो बनता है। तो चलिए देर किस बात की, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए एक पैन, इसमें डालेंगे एक गिलास दूध और इसी में डाल देंगे एक कप चीनी। इसको लगातार चलाते रहना है ताकि बढ़िया से घुल जाए चीनी। ये चीनी घुल गई है, अब इसके लिए लेंगे एक कटोरी, इसमें दो चम्मच ठंडा दूध लेंगे। दो चम्मच ठंडा दूध ले लिए, इसमें दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कस्टर्ड पाउडर मिला लिए है, अब इसी में डालेंगे दो चम्मच क्रीम, दही का छाली है, इसको मिक्स कर लिए हैं। अब इसको दूध में डाल देंगे, अब इसको मिलाते रहेंगे, लगातार इसको मिलाते रहना है। अब इसी में कलर बनाने के लिए थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, आप यहाँ पर ऑरेंज कलर डाल सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा इलायची डाल देंगे, इलायची से सुगंध बढ़िया आता है। तो इसे लगातार चलाते रहना है। तो फ्रेंड वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड इसको 5 मिनट तक ले लगातार चलाते रहना है। तो फ्रेंड आइसक्रीम का बेटर बन चुका है, अब इसको थोड़े देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए हमारा आइसक्रीम का बेटर ठंडा हो चुका है। अब इसके लिए लेंगे इस टाइप का बर्तन, आपके पास जो भी उस बर्तन में डाल सकते हैं। अब इसी में डाल देंगे, अब इसको बर्तन में सजा दिए हैं। अब इसी में डालेंगे ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा नारियल, अब इसी में डाल देंगे थोड़ा सा टूटी फूटी। अब इसको फ्रिज में रख देंगे 6 से 8 घंटा तक के लिए। तो लीजिए फ्रेंड, इसको 6 घंटा के लिए फ्रिज में रख दिए थे, कितना बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इसको दिखा देते हैं थोड़ा सा काट कर, देखिए कितना बढ़िया बनकर रेडी हो चुका है। लीजिए, तो गर्मियों का मौसम चल रही है, एक बार इसको तो बना कर खाना चाहिए। देखिए तो एक बार इसको बनाकर जरूर खाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।